अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे घरे साडे पंजाब दे नायब शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी साहब वालों लिखी हुई किताब जारी की गई है। इस मौके मैं उन्होंने दिली मुबारकबाद दिना ते नाल ही अज मेरे घर विखे साडे शहर दी सारे ही कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वो भी मौजूद सन, जिदे विच साडे जिला शहरी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी ते यूथ कांग्रेस के प्रधान योगेश हांडा जी, ईश्वरजोत चीमा जी जो कि चेयरमैन ने, और मेरे भरा सुरिंदर कल्याण जी। ये नाल ही साडी सारी समुची लीडरशिप अज इस मौके मौजूद सन। मैं उन्हां सारिआं दा दिलों शुक्रगुजार हाँ ते अपने बड़े भरा उस्मान रहमानी साहब नूं तहे दिलों अपनी पार्टी ते पंजाब सरकार वालों मुबारकबाद दिंदा। जय हिंद, जय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करन वाला है। साडे मुहम्मद गुलाब जी जिहड़े कि चेयरमैन ने पंजाब सरकार, मेरे भरा ने, उन्होंने दास्तान लुधियाणा जिहड़ी मेरी बुक लुधियाणा दे 300 साल दे इतिहास दे उत्ते असीं लै के आए हैं, वो लिए अज एक सन्मान समारोह अपने ग्रह विखे रखे ने। कांग्रेस के सारे स्ट्रीम मेन लीडर जिहड़े लुधियाणा के ने, साडे अश्विनी शर्मा जी प्रधान ने और योगेश हांडा जी बाकी साहिबान इतने मौजूद ने। तो मैं कहना चाहना दास्तान लुधियाणा मैं तां लिखी कि लोगों ने आजादी घुलाटियां धर्म के आधार पर बन लिया सी। तो यह पता लग्या कि जंगे आजादी तो असी सारे भारत वंश के लोगों ने, सारे हिंदू भरावान ने, मुसलमाना ने, सिख भरावान ने, दलित भरावान ने मोढ़े नाल मोढ़ा ला के अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब यह पता लगन लग्या कि असी हौली हौली अपने अपने पंथ के मुताबक शहीदों को याद करते हाँ, तो वह जंगे आजादी के लिए वो इतिहास के लिए कोई ऐसी ढुकवी गल नहीं सी। मैं जरूरत महसूस की कि लुधियाणा जिहदा कि इतिहास बड़ा विलक्षण भी है और बड़ा अमीर विरसा है साडे लुधियाणे का, तो लुधियाणे के उत्ते असी किताब लैके आए हैं जिस समूह 1857 तो लैके 1947 तक के शहीदों की जानकारी, 1947 तक के सब लोग उदों तो लैके हुण तक लुधियाणे ने किदां तरक्की की, लुधियाणे च कि चीज़ किहड़े सन दे विच आई, सड़कां कितों बणियां, टैलीग्राम ऑफिस कितों आए, कारपोरेशन कितों बनी, लुधियाणा पुलिस की स्थापना कितों की गई, रेलवे लाइन कितों बिछाई गई, लुधियाणे च टैलीफोन पहली बार कितों आया, बिजली लुधियाणे दे विच सप्लाई सब तो पहला कितों आई गई, इदां दीआं मुढ़लियां जानकारियां भी असीं लैके आए हैं ताकि आने वाली जिहड़ी नस्ल है वह लुधियाणे दे इतिहास तो जाणू रहे। कोई भी बंदा अगर कोई परिवार भी है, हमेशा लोग उन्होंने पूछते तेरे पिता का की नाँ है, तुहाडे दादा जी कौन ने, तुसीं पिछों कित्थे दे रहण वाले हो, अगर असी अपने पिछोकड़ नूं नहीं जाणांगे तो असी कोई बड़े मशहूर बंदे नहीं बन सकते। इसलिए अपने शहर के पिछोकड़ नूं जानना हरेक पढ़े लिखे लुधियाणवी लई जरूरी है। मैं बेनती करांगा समूह लुधियाणवी नौजवानों नूं भी कि आने वाले समय के दौरान अपने इतिहास नूं जब पढ़ोंगे तो तुहानूं अपने उत्ते फखर महसूस होएगा कि असी लुधियाणवी हां।